अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो कि आप सब दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये मैं लेके आया हूँ दोस्तों आप सब दोस्तों के लिए एक 3 एम्पेयर की सप्लाई। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी कम्पैक्ट साइज़ की सप्लाई है। इसके अंदर यहाँ पर आप प्रॉप्ट लगाकर या बी वायर लगा कोई भी वायर लगाकर आप अपनी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो है टेस्ट कर सकते हैं। LED बल्ब हो गए, LED लाइट्स हो गई, उसके बाद छोटे मोटे पंप हो गए, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो 12 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के दरमियान चलती है वो उससे टेस्ट कर सकते हैं। और बहुत ही कमाल की दोस्तों पावर सप्लाई है, मैक्सिमम 3 एम्पेयर की है। आज हमने इसको मुकम्मल रेडी की है, 12 वोल्ट इन देना है और आउटपुट पे आप 1.5 वोल्ट से लेकर 11.5 वोल्ट तक ले सकते हैं। इसके अंदर आपको वोल्टेज भी दिखेंगे, एम्पेयर भी दिखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ सामान की जरूरत है जिसके अंदर आपको LM2596 आपको वोल्ट मीटर वगैरह और कुछ वायरिंग का सामान चाहिए, तो इससे आप अपनी जो है खुद की 3 एम्पेयर की सप्लाई बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हमने इसको किस तरह बनाया है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो और बहुत ही कमाल की पावर सप्लाई है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं सप्लाई को बनाना। तो लीजिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने जो है ये पावर सप्लाई बनानी है। उसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले हम DC वोल्ट एमीटर इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके बाद हमें ज़रूरत है जी बनाना प्लग, बनाना कनेक्टर्स की। तो 2 पीस हम ये इस्तेमाल करेंगे रेड और ब्लैक में, और एक हमें ज़रूरत है LM2596 बक कन्वर्टर की, यानी कि स्टेप डाउन कन्वर्टर 12 वोल्ट 3 एम्पीयर में। और उसके बाद एक हमें जो है DC जैक की ज़रूरत है जो कि फीमेल DC जैक होगा ताकि हम इसके अंदर 12 वोल्ट इन कर सकें। और उसके बाद हमें जो है क्रैलिक शीट की बॉडी चाहिए होगी, तो मैं जो हूँ इसको अपनी लेज़र मशीन से काट रहा हूँ ताकि हमें परफेक्ट और प्रोफेशनल क्वालिटी की जो है हमें बॉडी मिल जाए। तो अभी आप देखेंगे ये है जी हमारी क्रैलिक की बॉडी जो हमने लेज़र से काटी है, तो इसको हम जो है आपस में जोड़ेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है सारा सामान भी जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं जो हूँ इसकी बॉडी को रेडी कर लेता हूँ। तो बॉडी को रेडी करने के लिए मैं LFE का इस्तेमाल कर रहा हूँ। LFE की मदद से सारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं आपस में मैं इनको जोड़ दूँगा ताकि जो है हमें एक मुकम्मल बॉडी तैयार मिल सके। तो भी आप देख सकते हैं सारे पार्ट जो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है LFE की मदद से जोड़ रहा हूँ। और जोड़ने के बाद हमने इसके अंदर सारा सामान भी फिट करना है। तो सामान के अंदर सबसे पहले अभी आप देख सकेंगे कि मैं जो हूँ अपने बनाना कनेक्टर वो जो है फिट कर रहा हूँ इसके अंदर, और उसके बाद जो है मैं DC जैक जो है वो फिटिंग कर दूँगा। तो लीजिए जी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमने बनाना कनेक्टर्स भी फिट कर लिए हैं, अपना DC जैक भी फिट कर लिया है और बड़ी बेहतरीन फिटिंग हुई है प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। तो अब ये काम कर लेते हैं इसके अंदर LM2596 की इसकी टॉप साइड पर फिट कर लेते हैं और अपना वोल्ट एम्पेयर मीटर को भी फिट कर लेते हैं ताकि हम जो है इसकी फिर वायरिंग कर सकें। तो दोनों की मैंने फ़िटिंग कर ली है, अब मैं जो है इनकी वायरिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दूंगा। तो वायरिंग की डायग्राम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से देख कर आप ख़ुद भी वायरिंग कर सकते हैं। अगर इसका पार्ट्स या सारा सामान ख़रीदना है तो उसको लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। खाली बॉडी परचेज़ करनी है तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर और वेबसाइट का एड्रेस, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं और घर में अपनी ख़ुद की एक पावर सप्लाई रेडी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सारी की सारी वायरिंग मैंने कर दी है, उसके बाद मैं इसको जो फिट करके वापस जोड़ दूँगा और फिर हम इसको करने वाले हैं जी टेस्ट। तो लीजिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारी जो है वेरिएबल पावर सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत ही छोटी सी दोस्तों पावर सप्लाई है, इसको आप अपने घर में खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जिस तरह मैंने ये लेज़र के साथ इसकी एक्रेलिक को काट कर जो है मैंने डिज़ाइन किया, आप किसी भी प्लास्टिक की बॉडी के अंदर इस तरह फिटिंग कर सकते हैं। बाकी वायरिंग डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो इसकी वायरिंग के हिसाब से खुद भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब बात आ चुकी है इसकी टेस्टिंग की कि आया टेस्ट करते हैं हमारी जो है ये पावर सप्लाई सही काम करती है या नहीं। तो ये मैक्सिमम 3 एम्पेयर का लोड उठाएगी क्योंकि इसके अंदर जो हमने मॉड्यूल लगाया है वो मैक्सिमम 3 एम्पेयर का। आप जो है 5 एम्पेयर का मॉड्यूल लगा लें, 10 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर का, तो जितने एम्पेयर का मॉड्यूल होगा उतने एम्पेयर के हिसाब से आपकी जो है सप्लाई काम करेगी। तो दोस्तों अब ये काम कर लेते हैं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं कोई 12 वोल्ट की सप्लाई ताकि हम इसको चेक भी कर सकें चलाकर। तो ये मेरे पास आ चुका है जी 12 वोल्ट का अडाप्टर, तो मैं इसको इसके साथ लगा देता हूं और इसके साथ लगाते ही आप देख सकते हैं हमारी जो है पावर सप्लाई पावर ऑन हो चुकी है
और उसके बाद वोल्टेज दे सकते हैं आप 1.4 वोल्ट है, एम्पीयर जीरो है क्योंकि आउटपुट पे कोई चीज़ नहीं लगाई हुई है। आउटपुट पे आप कोई भी वायर्स लगा सकते हैं, कोई भी टेस्टिंग करने के लिए लीड्स लगा सकते हैं। तो वोल्टेज अभी ये जो है 1.4 आ रहे हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसके वोल्टेज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए आप इसके जो वेरिएबल है उसको जो है चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने इसके साथ मैक्सिमम जो है 12 वोल्ट का अडैप्टर लगाया, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है इसके 12 वोल्ट तक ही जाएंगे। भी आप देख सकते हैं 11.5 तक मैक्सिमम वोल्ट गए हैं। उसके बाद इसको कम आप 1.4 1.3 तक लेकर जा सकते हैं, यानी कि 1.2 1.3 से वोल्टेज से लेकर 11.5 वोल्ट तक आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ चुका है जी 1.4 तक इसके वोल्टेज। तो अब ये काम कर लेते हैं दोस्तों, एक बार इस पे लोड चलाकर भी चेक कर लेते हैं कि आया हमारी पावर सप्लाई सही काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके ऊपर 12 वोल्ट का जो है बल्ब चलाकर चेक करने वाला हूँ कि आया ये इसके ऊपर चलता है या नहीं। तो इसके लिए मैं जो है इसके साथ वायर्स कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम इसको चलाकर चेक करते हैं। तो लीजिए जी वायर्स मैंने कनेक्ट कर लिए। अब इन वायर्स को मैं जो हूँ अपने बल्ब के साथ अटैच कर देता हूँ। तो भी आप देख सकते हैं हमारा बल्ब रोशन नहीं हो रहा था। वोल्टेज ले जाते हैं हम कम से कम 11.5 तक और फिर हम चेक करेंगे इसके कि हया हमारा बल्ब ऑन हो रहा है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं वोल्टेज आ चुके हैं 11.6 तक और हमारा जो है बल्ब भी रोशन हो चुका है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमारा जो है बल्ब रोशन हो रहा है और हमारी जो है ये पावर सप्लाई बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद दोस्तों मेरे पास आ चुकी है जी इसकी पट्टी जो कि LEDs की होती है दोस्तों, हमारे उसके अंदर लगती है LED की जो लाइट होती है, हमारी जो LED पैनल होता है उसके अंदर। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि आया वो ये ऑन करता है या नहीं हमारी सप्लाई। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो है LED पट्टी भी ऑन हो चुकी है बड़े बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है LED की पट्टी जो है हमारी सप्लाई के ऊपर ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अम्पेयर भी देख सकते हैं, अम्पेयर भी हमारा जो है ये सप्लाई ये बता रही है कि 0.30 अम्पेयर ले रहा है, यानी कि 0.30 अम्पेयर ये जो है हमारी सप्लाई ले रही, हमारी सप्लाई से जो है हमारी LED लाइट ले रही है। इस पावर सप्लाई से दोस्तों आपको जो है वोल्टेज के बारे में भी पता चलता रहेगा और अम्पेयर के बारे में पता चलता रहेगा कि आया कितना अम्पेयर ले रही है। उसके बाद ये MP3 को टेस्ट करना है, इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप इसके साथ कोई भी लीड्स लगा सकते हैं, अपने मीटर की प्रॉब लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ जो है बनाना प्लग कनेक्ट किए हैं। तो बनाना प्लग के अंदर जो है कोई भी वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं थंबल के साथ, और अगर आप मीटर की प्रॉड लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये मीटर की प्रॉड्स हैं, तो इनको मैं लगा लेता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव वाली साइड पर लगा लेता हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाली साइड पर लगा लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं आ चुकी जी हमारे पास MP3। तो अब हमने इसको टेस्ट करना है, इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों हमें जो है वोल्टेज कम करने होंगे। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारी MP3 लेती है 5 वोल्ट लेती है, तो हम इसको 5 वोल्ट तक ले जाते हैं ताकि हम अपनी MP3 को टेस्ट कर सकें। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट तक ले आया हूँ। उसके बाद ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव के जो है टर्मिनल हैं इसके ऊपर हम लगा कर इसको पावर ऑन करके चेक करते हैं कि आया ये पावर ऑन होती है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो है MP3 पावर ऑन हो चुकी है और यहाँ पर जो है डिस्प्ले भी आ चुका है हमारे MP3 का। तो यहाँ पर भी आपको मैं शो करवा देता हूँ एक दफ़ा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों दोबारा डिस्प्ले आ चुका है और हमारी MP3 जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारे जो है सप्लाई के ऊपर ऑन हो चुकी है। इसका क्योंकि दोस्तों लोड बहुत कम होता है इसलिए इसके एम्पेयर्स वगैरह शो नहीं होते। और उसके बाद ये पंप को भी आप चला कर चेक कर सकते हैं, अगर पंप वगैरह को चलाना है छोटा पंप टेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये भी पावर ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, तो ये देख सकते हैं दोस्तों पंप भी इसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी अगर रोज़मर्रा की कोई छोटी छोटी चीज़ें आप टेस्ट करना चाहते हैं सप्लाई से, तो आप वो टेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये हमारी सप्लाई आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की सप्लाई घर में खुद बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की कम्पैक्ट साइज़ की दोस्तों सप्लाई है और मुझे बहुत पसंद आई है ये। और अगर तो आपको ये वीडियो सप्लाई पर पसंद आई है इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।